प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन। लंबे इंतजार के बाद में आखिर में वो दिन आ गया, अयोध्या को लेके आज फैसला हुआ। और क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है, तो कांग्रेस कमेटी के जो प्रतिक्रिया है वो इस रूप में दी गई है कि ये इसका सबको सम्मान करना चाहिए और शांति सद्भाव बना रखना चाहिए और जुडिशियल फैसले का सम्मान होना चाहिए। यही उम्मीद करता है देशवासी भी, और मैं समझता हूँ उसके अनुकूल ही कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उम्मीद है कि प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी शांति सद्भाव बना रहेगा। और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट अगर गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे तो राजस्थान में हमने स्ट्रेंथ दे रखे हैं, उनका आप हैवी हैंड से डील करो, चाहे वो कोई जाति का हो, बिरादरी का हो। और बाकी जो है मैं समझता हूँ कि शांति के साथ में, सद्भाव के साथ में ये फैसला लागू होगा। और जो भी मैं समझता हूँ कि रिएक्शन आने हैं वो अभी आने लग जाएंगे आपके सामने। मेरा मानना है अधिकांश लोग रिएक्शन देंगे इस फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसको सम्मान करना चाहिए। सर देखिए, भाजपा के तो मुद्दे चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनाव जीतने के लिए होते हैं, जनता से स्वीकार नहीं होता उनका। देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था के अंदर दुनिया जानती है, देश जानता है, महंगाई बढ़ती जा रही है, नौकरी जा रही है, आ नहीं रही है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, तो कोई ताल्लुक नहीं है बीजेपी के नेताओं को। और जब निर्मला सीतारमण के हस्बैंड कह रहे हैं कि इनको समझ ही नहीं है अर्थव्यवस्था की, इस सरकार को, और पंडित नेहरू की जो नीति थी उनको भरा दी इन्होंने, तो इनको चाहिए कि नरसिम्हा राव जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह नीतियों को अपना के चले तो ये अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसके क्या मायने हैं, कोई चिंता ही नहीं लोगों को, तो इनको खाली राष्ट्रवाद है, धर्म के नाम पे राजनीति करनी है, 370 पे राजनीति करनी है, कब तक करते जाओ, जनता बहुत समझती है, इसलिए इनको झटका मिला चुनाव के। अभी कोई क्रेडिट नहीं दे सकता जब भाजपा ने जो कुछ किया 25-30 साल के अंदर, वो सबके सामने है, उसका नुकसान सबको भुगतना पड़ता है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ क्या लाभ हो सकता है, कितनी हिंसा हुई है, कितने निर्दोष लोग मारे गए हैं सबको मालूम है। उस वक्त भी अगर मान लो ये जुडिशरी पर डिपेंड रहते तो आज नौबत क्यों आती, बजाय इसके कि दंगे भड़काए गए, दंगे करवाए गए, राम मंदिर के अंदर बाबरी मस्जिद जाकर वहाँ तोड़ी गई जिस रूप में, और दंगे बढ़ गए उस वक्त में, उस सबसे बचा जा सकता था। अगर बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद थोड़ी समझदारी से काम लेती कि भाई हम जुडिशरी पर विश्वास करते हैं, जो आज वो बात करेंगे, उस वक्त भी अगर न्यायालय में छोड़ देते तो साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल में निपट जाता मामला, कितना खून खराबा हुआ। अब जाके 25 साल के बाद में ये फैसला आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो 25 नहीं 28 साल के बाद में, तो ये स्थिति है। तो ये इस हालत से बचा जा सकता, बच सकती थी सरकार, मतलब सरकार बच सकती थी, देश बच सकता था, मेरा मानना। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।